खादी एवं ग्राम उद्योग पूर्व अध्यक्ष झारखंड जय नंदू जी के साथ भी खास बातचीत। हमारे जय नंदू जी हैं, उनसे कुछ सवाल जवाब करते हैं। सर, खादी बोर्ड में आज की स्थिति और आप जिस समय थे, क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, आज की स्थिति मुझे पता बहुत अधिक नहीं है, क्योंकि मैं इस पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं खादी में ही लगा रहता हूँ, खादी के और सारे काम हैं उसमें करते रहता हूँ। लेकिन जब मैं अपना कार्यकाल में था तो उसके विषय में बता सकता हूँ कि पूरे राज्य में मैंने जो ढांचा खींचा है उसको सिर्फ जीवंत रखा जाए तो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। आज के दिन में क्षेत्र का मैं खादी बोर्ड के नियमितों का न भ्रमण करता हूँ, न मैं जानता हूँ कि क्या उनकी स्थिति है, न उनका मैं अकाउंट देखता हूँ, न बात करता हूँ, तो इसलिए बहुत अधिक बता सकते हैं। सर, खादी बोर्ड का हर प्रोडक्ट यूनिक है और उनका शोरूम से लेकर मार्केटिंग से लेकर सब कुछ ठीक है, लेकिन सर वो स्थान नहीं पहुंच सका जो स्थान आज गारमेंट में रेमंड्स का है, पार्क एवेन्यू का है, वो सब सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका सामान तो ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी में कमी है। देखिए, प्रचार प्रसार, लोगों के बीच में पैठ बनाना और अपने उत्पादन की क्वालिटी और पैकिंग को भी और पुख्ता करना, ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। और अगर ऐसा होता है तो हम नहीं समझ रहे हैं कि कोई कंपनियां भी इसके सामने हैं। फिर इसके लिए और क्या क्या करने की ज़रूरत है? जैसे तसर रेशम, जो साबुन है जो ग्रामीण महिला बना के रखती है, वो सब में सर और जो जिसको प्रचार नहीं हो सका सर, उसके लिए और क्या क्या? देखिए, प्रचार प्रसार की तो खादी में बहुत अधिक ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैकिंग करें और अच्छे उत्पाद करें, स्वतः कस्टमर जो हैं इस पर आकर्षित भी होंगे, लोग रोज़गार भी लगेगा, हम स्वावलंबी भी होंगे और दूसरे राज्य के लोग भी आकर्षित होंगे। सर, क्या संदेश देना चाहते हैं जो आम लोग खादी से नहीं जुड़े हुए हैं? क्योंकि यंगस्टर बड़े बड़े शोरूम जाते हैं, उनको खादी में किस प्रकार लाया जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, खादी तो पहली बात मैं बता दूं, खादी एक वातानुकूलित वस्त्र है। इसको गर्मी में पहनेंगे ठंडा लगेगा, ठंडा में पहनेंगे गर्मी लगेगा। और खादी का एक और खासियत है, खादी जिस दिन फटता है उसमें सबसे खूबसूरत दिखता है। तो अब अंदाज करिए कि खादी जितना पुराना होता है, जितना धोएंगे उतनी चमक बढ़ेगी। मिल के कपड़े जितने धोएंगे उतना पुराना दिखेगा। अब खादी का बेड कवर लगा लें, खादी का कुर्ता पहन लें और मिल का कुर्ता पहन लें, आपको लगेगा कि आपका कुर्ता पुराना हो रहा है। लेकिन खादी में आप जितना धोएंगे, जितना पुराना होगा वो लगेगा और नया हो गया है, यही खासियत है। वाह बच्चे, जो जीन्स पहनते हैं अधिक पैसा इसमें जीन्स में लगाते हैं, आप खादी पहनिए। खादी पहनिएगा तो हर गारमेंट आप भूल जाइएगा। खादी सिर्फ नेता लोग के लिए नहीं है, इसमें हर रेंज की है, चाहे 5 साल से बच्चे से लेकर और 70 साल तक बुजुर्ग के लिए भी खादी का हर साइज के कपड़े हैं। आप खादी बोर्ड, खादी बन के, खादी के जितने शोरूम हैं आप वहां पर जाकर विजिट जरूर कीजिए और खादी का उत्पाद को जरूर लीजिए, क्योंकि वह उत्पाद आपको देश को आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी करेगा। एडी लाइव के वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।